आईपीएल 2023 में आठवां मुकाबला गुवाहाटी के मैदान में पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला पूरी तरह से उल्टा नजर आया, क्योंकि आज पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभ सिमरन ने जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उसे देखने के बाद तो राजस्थान के कप्तान भी अपने सर पर हाथ रखकर ये सोच रहे होंगे कि ये फैसला उन्होंने क्यों ले लिया। दरअसल में आज प्रभ सिमरन जो एक युवा बल्लेबाज होने के साथ साथ आईपीएल में चमकता सितारा है, उन्होंने 60 रनों की पारी खेली। प्रभ सिमरन ने मात्र 34 गेंदों का सामना करते हुए 60 रन बनाए, जिसमें उन्होंने कुल मिला के 7 चौके और 3 छक्के लगाए। 176 के स्ट्राइक रेट के साथ आज इस बल्लेबाज ने राजस्थान के गेंदबाजों में खूब मार लगाई, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार वो लम्हा रहा जब प्रभ सिमरन ने आसिफ के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जी हाँ, KM आसिफ के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए इस युवा बल्लेबाज ने गेंदबाज की जमकर धुनाई की। उस ओवर में इन्होंने 19 रन बटोरे। इतना ही नहीं बल्कि इस बल्लेबाज ने 3 चौके और 1 छक्का लगाकर KM आसिफ का पहला ही ओवर खराब कर दिया। आपको बता दें कि प्रभ सिमरन की अर्धशतकीय पारी पूरी करने में तो राजस्थान के फील्डर देवदत्त पेडिकल का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि उन्होंने 44 रन पर उनका कैच ड्रॉप कर दिया। आप सोच सकते हैं कि अगर 44 पर प्रभ सिमरन आउट हो जाते तो ये पारी वो नहीं खेल पाते, लेकिन प्रभ सिमरन इस पारी के साथ ही सभी की जबान पर चढ़ गए हैं। अब उनका नाम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस तरह से ही आईपीएल सेंसेशन बनके खिलाड़ी अपना नाम बनाता है। जिस तरह से तूफानी पारी आज प्रभ सिमरन ने खेली है, राजस्थान के लिए ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई है। लेकिन इस बल्लेबाज की पारी देखने के बाद तो अब सोशल मीडिया पर फैंस इनके दीवाने हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।